एक पारसा के लड़के को अपने चचा के मरने पर बहुत सा माल और दौलत तरके में मिला। माल ए मुफ्त दिले बेरहम, उसने दोनों हाथों से ये माल और दौलत अयाशी और बदकारी में उड़ाना शुरू कर दी। मैंने एक बार उसे नसीहत की कि बेटे आमदनी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए कि इसका नतीजा हमेशा बुरा होता है। उस नौजवान ने मेरी नसीहत को दीवाने की बड़ समझा और कहा कि आज की राहत को छोड़कर कल के गम में दुबला होना महज हमाकत है। मैंने समझ लिया कि बेवकूफ़ आदमी पर कलाम नर्म बेअसर है, चनाचा उससे किनारा कुशी कर ली। कुछ अरसे बाद वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। नौजवान ने तमाम जायदाद अयाशी और फजूल खर्ची में बर्बाद कर डाली, टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो गया। मैंने उसे पेवंद लगे कपड़े पहने भीख मांगते देखा तो सख्त गुस्सा आया और जी में आया कि उसके कहूँ क्यों मैं तुझे उस दिन से डराता ना था। फिर ये सोच कर खामोश हो गया, इस हालत में मेरी बात उसके जख्मों पर नमक छिड़केगी और उसके दुख में इजाफा होगा।